तो गाइस मैंने प्रियंका के साथ एक प्रैंक क्या कर लिया, ये मेरे को लेने आई थी, देखो ये मेरे को लेने आई थी कि चलो अंदर सोते, अंदर सोते ही यहीं सो गई, और तो और मेरे से कह रही पैर दबाओ, देखो ये देखो देखो कह रही पैर दबाओ। क्या जमाना आ गया है दोस्तों, पहले जो बीबियाँ पैर दबाती थी आज वो खुद अपने पतियों से पैर दबवाती हैं। पतियों को प्रैंक करने से पहले सोचना। अरे सोचो ये जमाना कैसा कैसा हो रहा है, कल जो साड़ी पहनती थी बीबी आज वो कुर्ती पहन पहन के इकराती है। अगर आपको ये गायक पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करिए, हाँ, और हमें छुटकारा दिलाइए ऐसी बीबी से। हम जाएं बाहर और पटाएं एक और गर्लफ्रेंड, तब बचेंगे इस चुड़ैल जैसी बीबी से। देख रहे भैया पैर दबा रही हैं, हमको लेने आई थी, चलो अंदर चलो बाबू अंदर चलो, वहां सोते हैं सोफे में, हाँ बेड पे सोते हैं, ये खुद यहाँ सो रही है, बताओ। तो अंदर जाने का नाम नहीं ले रहे तो मैं यहीं सो। औरतों के गुलाम नहीं है, अरे कोई यार फर्क ही नहीं पड़ रहा, बताओ। तुमने वो सुना है कर्मा इज द बिच, और फिर जब कर्मा घूम के आएगा ना तो ये तमाशा हम भी मुस्कुरा कर देख लेंगे। तुम्हारा ही कर्मा तुम पे घूम के आया, जो तुमने मुझे प्रैंक किया ना, उसका ही कर्मा है। फिर ये तमाशा हम भी मुस्कुरा कर देख लेंगे। This is also fruit of your karma। जब हम गए रहे कानपुर तो भैया जकरकटी बस अड्डे पे हमको मिले तो बाबा तुलसीदास जी हमसे कहे कि बेटा कुलदीप सुनो, तुम जीवन में शादी ना करना, और जो तुमने कर ली शादी तो तुम्हें लुगाई तुम्हें कुत्ता बना देगी, ठीक है। तो ये लो देखो बाबा तुलसीदास सब सही सच कहें। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं सोने, ठीक है। आप लोग देखिए वही गुड्डू पप्पू ब्लॉग्स, हम भी ऐसे ही बना रहे हैं, और तो बस हमारे प्रैंक वीडियो देखते रहिए, और आप लोगों को हमारे प्रैंक वीडियो पसंद हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करिए, और हमें सजेशन भी दीजिए कि हम क्या क्या बनाएं ताकि हम आपको हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहे। मुझे ज़्यादा आइडिया देना क्योंकि मेरा पति हर टाइम मेरे पे प्रैंक करता है, इसलिए मुझे कोई प्रैंक का आइडिया दो जो मैं इन पे करूं। तो बस डील डन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।